हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोडिंग सेगमेंट इन एज इक्वल टू 0 स्विच ए। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट दिया गया है, केस 0, डिफॉल्ट प्रिंट, डिफॉल्ट में हमने जो प्रिंट में दिया है डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, डिफॉल्ट प्रिंट हो, एंड केस 1 प्रिंट एज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशन दे रखी है एज इक्वल टू 0, अब स्विच में ए में क्या हो गया 0, यहाँ पे 0 कंडीशन स्विच केस, तो यहाँ पे 0 दिया है, तो स्विच केस में क्या दिया है डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर ब्रेक लगा होता तो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू क्या होती 0 ओनली प्रिंट, यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पे प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में जो रखा है डिफॉल्ट, तो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। अदरवाइज फिर भी नेक्स्ट डिफॉल्ट के नीचे भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा केस वन पे जाएगा, केस वन पे प्रिंट करेगा ए एज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा डिफॉल्ट ए इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे आंसर क्या होगा डिफॉल्ट ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट हैज इंक्लूड फाइल डॉट एच इज रिप्लेस्ड बाय कंटेंट ऑफ फाइल नेम डॉट एच। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर को प्रोग्राम में जोड़ दिया जाता है। क्लियर, तो बिफोर कंपाइलेशन एंड फाइल नेम जो होता है तो उसको प्री प्रोसेसर में जोड़ दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग कोड स्ट्रक पर्सन कैर नेम स्ट्रक पर्सन मदर फादर अनिता। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग लूप 4 जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 10 जे प्लस प्लस प्रिंट एन न्यू लाइन पे एन जे जे की वैल्यू को प्रिंट करना, देन इफ कंडीशन लगा जे इक्वल टू 5। जैसे ही जे 5 होता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी ट्रू होती रहेगी, यहाँ फॉल्स होती रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन हो तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा, अगर यहाँ पे ब्रेक लगा देते तो यहाँ पे ब्रेक हो जाता, 5 के बाद वैल्यू प्रिंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट तो लगातार प्रिंट होता रहेगा जब तक कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसमें यह पूछा गया है कि इस जो कंडीशन फॉर लूप दे रखी है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज सी। एम इक्वल टू 0 वाइल एम लेस देन 10, यहाँ पे लेस देन 5 जो कंडीशन दे रखी है जे जिसमें जे लेस देन 10 दे रखी थी, यहाँ पे एम लेस देन 10 दे रखी, तो यहाँ पे जो एम कंडीशन दे रखी है एम लेस देन 10, यहाँ पे जे लेस देन 10 दे रखा था, सेम वैल्यू है, जितना जितनी टाइम ये चलेगा एंड उतनी टाइम ये भी चलेगा। फिर इसके बाद प्रिंट एम, एम की वैल्यू को प्रिंट किया है यहाँ पे, इफ कंडीशन एम प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है जे प्लस प्लस रखा था, यहाँ पे एम प्लस प्लस इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पे 5 दे रखी 5 टाइम एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गिव टू लिटरल्स ऑफ 0 एक्स 0 1 बी एंड 0 3 3 व्हाट आर दीज इक्वल टू। दो वेरिएबल लिटरल्स 0x, 01b और 033 दिए हुए हैं तो इसके बराबर है, तो आंसर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था 0 एंड x, तो ये इंडिकेट करता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर एंड ये ऑक्टल नंबर दिया है, तो 0 से 7 होती है ऑक्टल नंबर की वैल्यू, इसी तरह हेक्साडेसिमल की 0 टू 9 एंड a से f तक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो दे रखी है हेक्साडेसिमल नंबर एंड यहाँ पे ऑक्टल नंबर, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन सा कंडीशन सही है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे 0x10, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल पॉइंट देखना होगा, यहाँ पे डेसिमल नंबर जो आंसर इज डी, हेक्साडेसिमल नंबर जो पॉइंट दे रखा है 1b का क्या होता है डेसिमल नंबर 27, इसी तरह 033 का जो डेसिमल नंबर होता है वो 27 होता है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज 27 एंड 27। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन नीड अ फाइल नेम, निम्न में कौन से फंक्शन में फाइल नेम की आवश्यकता हो सकती है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। एफ ओपन, एफ ओपन में फाइल को ओपन करने के लिए उसका नाम चाहिए होता है, तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एफ ओपन फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फ्लोट पी एफ इंट पॉइंटर पी आई विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। सी क्यों होगा, क्योंकि साइज ऑफ पी आई इक्वल टू साइज ऑफ पी आई,
तो यहाँ पे जो दिया है पॉइंटर वेरिएबल की साइज हमेशा 2 बाइट होती है, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का प्रकार हो। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इंट ए 10, इंडेक्सिंग वैल्यू 10, 1 से 10 तक यहाँ पे वैल्यू एंटर की है, एंड पॉइंटर ए। यहाँ पे प्रिंट में दिया है P7, इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 to 7, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8 एंड 9। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रॉन्ग विद द फॉलोइंग फंक्शन, इंट मेन, इंट ए सी, कैर, ए वी जी, इफ ए सी इक्वल टू 0 रिटर्न 0, एल्स कंडीशन दे रखी है यहाँ पे फिफ, प्रिंट एप ए बी ए सी माइनस 1 मेन ए सी माइनस 1 ए बी रिटर्न 0। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन चलेगा, तो यहाँ पे कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इस स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कैन नॉट हैव मेन एज मेन, इट शुड बी मेन ओनली। इस तरह बी फंक्शन दे रखा है, द आर्गूमेंट नेम मस्ट बी ए आर जी बी एंड ए आर जी बी रिस्पेक्टिवली। इसी तरह सी, देयर कैन नॉट बी 2 रिटर्न स्टेटमेंट इन द फंक्शन। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, देयर इज नो एरर इन द फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है इसमें, नम इक्वल टू 58, नम मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू 11। तो क्या होगा यहाँ पे, कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर देखना पड़ता है, यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना होता है कि रिमाइंडर कितना आएगा, वही आंसर होता है हमारे मॉडुलस ऑपरेटर में। यहाँ पे हमें रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो यहाँ पर क्या होगा, नम, नम में क्या आएगा 58 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या होगा, नम इक्वल टू नम मॉडुलस ऑपरेटर एंड 11। तो यहाँ पे नम में कितनी वैल्यू दे रखी है 58, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा, जैसे ही डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा तो आंसर इज ए, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल इन 3। क्लियर? इन अ स्कैन एप स्टेटमेंट ऑल द आर्गूमेंट आफ्टर द कंट्रोल स्ट्रिंग मस्ट अपीयर विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। क्लियर? यदि आर्गूमेंट पॉइंटर हो तो स्कैन एप में हमें एंड ऑपरेटर लगाना आवश्यक नहीं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 हैज इंक्लूड स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू, एटलीस्ट 1 हैज इंक्लूड स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में लगाना आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू फ्लोट पॉइंट नंबर। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू, रिमाइंडर ऑपरेटर का उपयोग केवल इंट नंबर इंटीजर नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद इन अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के भीतर बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन अ ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ संपूर्ण प्रोग्राम के अंत तक होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फ्लोट ए इंडेक्सिंग 10 पी, द स्टेटमेंट पी इक्वल टू प्लस प्लस ए बिलवीन स्लाइज पी टू एंड ए इंडेक्सिंग 1। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इज पी ए इक्वल टू प्लस प्लस ए, स्टेटमेंट में एल वैल्यू का एरर आएगा, मतलब लेफ्ट साइड वैल्यू को एरर आएगा। तो आंसर इज फॉल्स। 17, इफ अ फंक्शन हैज एन एरे एज एन आर्गूमेंट देन चेंज डन टू द कंटेंट ऑफ द एरे आर विच विल इन द कॉलिंग फंक्शन आल्सो। यदि फंक्शन में आर्गूमेंट के रूप में एक एरे हो तो एरे के कंटेंट में दिए में किए गए बदलाव कॉलिंग फंक्शन में भी दिखाई देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू, क्या होगा, ट्रू, क्योंकि एरे हमेशा कॉल बाई रेफरेंस से पास होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न ऑन यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर विद अ स्ट्रक्चर मैन नॉट बी अलाउ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई बाय द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। साइज ऑफ ऑपरेटर द्वारा स्ट्रक्चर की रिटर्न की गई साइज और स्ट्रक्चर में अलग अलग मेंबर द्वारा ली गई साइज का उपयोग हमेशा बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द लिंक लिस्ट आर नॉन लीनियर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स. लिंक लिस्ट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बट होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर नहीं है. क्लियर? जो लिंक लिस्ट है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है लेकिन बट होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ फॉर लूप कैन नेवर बी इनफाइनाइट, एक फॉर लूप कभी भी अनंत लूप नहीं हो सकता. तो आंसर इज फॉल्स. क्लियर? एक फॉर लूप अनंत हो सकता है. जब हम फॉर लूप के साथ फॉर लिखते हैं फिर कोष्टक में हम सेमी कॉलम दे देते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग देखेंगे. नल करेक्टर, नल करेक्टर क्या है? नल करेक्टर किससे इंडिकेट करते हैं? तो आंसर इज एफ स्लैश जीरो से हम इंडिकेट करते हैं नल करेक्टर को. नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रिलीज मेमोरी, मेमोरी को फ्री करना, किसके द्वारा हम फ्री करते हैं, किस फंक्शन के द्वारा हम फ्री करते हैं? तो आंसर इज जी, फ्री फंक्शन के द्वारा हम मेमोरी को फ्री करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेन वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम लाइफ टाइम, प्रोग्राम में लाइफ टाइम तक वैल्यूज को बनाए रखना. यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज के, एक्सटर्नल वेरिएबल जो प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक की वैल्यू को बनाए रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को सचित्र रूप से निरूपण करते हैं. जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के द्वारा हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कॉल इन अगेन एंड अगेन, बार बार कॉल करना, तो यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन के द्वारा हम बार बार कॉल कर सकते हैं. तो आंसर इज आई. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रिमूविंग एरर त्रुटि, हटाना, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज एन, डिबगिंग, डिबगिंग के द्वारा हम रिमूविंग द एरर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मैलोक रिटर्न, मैलोक फंक्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? आंसर इज पी, वाइट पॉइंटर को रिटर्न करता है. मैलोक फंक्शन क्या करता है? मेमोरी एलोकेशन के बाद वाइट पॉइंटर को रिटर्न करता है. तो आंसर इज पी. नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या है आंसर? आंसर इज एल, ये भी एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है. क्लियर? ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का एक उदाहरण है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फ्लैग टू डिस्प्ले साइन विथ न्यूमेरिकल डेटा इन प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप के संख्यात्मक डेटा साथ साइन को दर्शाने वाला फ्लैग, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एम प्लस, प्रिंट ऐप में संख्यात्मक डेटा के साथ साइन को दर्शाने के लिए प्लस फ्लैग उपयोग किया जा सकता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 30, टर्मिनेटेड प्रोग्राम को समाप्त करना, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, रिटर्न इन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के द्वारा, रिटर्न मेन फंक्शन के द्वारा हम टर्मिनेट प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं. क्लियर? आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. द स्टेटमेंट इन पॉइंटर पी क्यू इज इक्विवेलेंट, जो दे रखा है स्टेटमेंट ये किसके बराबर है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, इंट पी पॉइंटर क्यू, एम, आंसर इज एम, ये सेम दे रखे हैं. क्लियर? यहाँ पे अगर ई को लगाते हैं तो यहाँ पे दोनों में पॉइंटर डिक्लेयर किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मोर देन वन वैल्यू कैन बी रिटर्न बाई अ फंक्शन इफ द आर्गूमेंट आर पास्ड टू इट बाई, फंक्शन के द्वारा एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न की जा सकती है यदि आर्गूमेंट को पास किया जाता है. इसका आंसर क्या होगा? यदि आर्गूमेंट को पास किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर, यदि आर्गूमेंट को स्ट्रक्चर वेरिएबल के द्वारा पास किया जाता है तो फंक्शन के द्वारा एक से अधिक वैल्यू रिटर्न की जा सकती है. तो आंसर इज एच. नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मैट्रिक्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ जीरो एंट्री एंड वेरी फ्यू नॉन जीरो एंट्रीज, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एन, स्पार्क मैट्रिक में अधिकांश शून्य वाली एंट्री होती है. क्लियर? शून्य वैल्यू एंट्री करता है. 34, अ टू डायमेंशन एरे
of integer can also be defined L. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज L. इंटीजर A 10 20. यहाँ पे टू डायमेंशन अरे दिख रहा है, इस तरीके से हम टू डायमेंशन अरे को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. द fprint फंक्शन कैन बी यूज टू राइट अ वन द स्क्रीन इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट टू इट इज. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज आई. STDOUT. fprint फंक्शन में पहला आर्गुमेंट STDOUT लिखने पर यह आर्गुमेंट को फाइल में भेजने की बजाय स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा. आंसर इज आई. नेक्स्ट क्वेश्चन 36. इफ द रिक्वेस्ट टू रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज नॉट ऑनर्ड देन द वेरिएबल आर ट्रीटेड एज हैविंग स्टोरेज क्लास. यदि एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अनुरोध को नहीं माना जाता है तो वेरिएबल को स्टोरेज क्लास माना जाता है. तो आंसर क्या है? आंसर इज बी ऑटोमेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. अलाउ इट्स मेंबर टू शेयर द सेम स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर मेमोरी. अपने सभी मेंबर को कंप्यूटर मेमोरी के एक ही स्टोरेज एरिया को एक शेयर करने की अनुमति देता है. यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ यूनियन. यूनियन अपने सभी मेंबर को कंप्यूटर मेमोरी के एक ही स्टोरेज एरिया को शेयर करने की अनुमति देता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. द इनडायरेक्शन ऑपरेटर इज आल्सो यूज्ड एज ऑपरेटर. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज के मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 39. इंट टी नेम इट्स इज एन. यहाँ पे ये क्या है? टी जो दे रखा है किसको इंडिकेट कर रहा है? जब हम भी स्टार का भी हम यूज करते हैं तो पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर इज पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर का उपयोग, एरो ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है. क्लियर. टी एक स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर वेरिएबल है. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40. द इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू. इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किस पर लागू नहीं किया जा सकता? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज जे कांस्टेंट. कांस्टेंट में कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते, इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कांस्टेंट पर लागू नहीं किया जा सकता. क्लियर. आई होप आपको समझ में आया हो. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.